हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों देखिए, हमने आपको एक वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए थे सामाजिक विज्ञान में, जिनको आप तैयार करें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज देखो, हिस्ट्री में कुछ प्रश्न हैं जिनमें बच्चों को परेशानी रहती है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। देखो, उनको हमने शॉर्ट में लिखा, आपको उनको याद कैसे करना है उस हिसाब से शॉर्ट में लिखा। देखो, पहला प्रश्न है कि सुंग वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, सुंग वंश की स्थापना किसने की, पहला प्रश्न आप ले लें। तो उसका उत्तर शॉर्ट में लिखा या सुंग वंश की स्थापना किसने की, उत्तर आप लिख देंगे पुष्यमित्र सुंग ने की 185 ईस्वी पूर्व में। तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं, इस तरह से बना के, है ना, शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके। सुंग वंश के प्रमुख राजा कौन कौन थे। देखो, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ज्येष्ठ मित्र कौन से वंश का राजा था, या भागवत कौन से वंश का राजा था, ठीक है, इस तरह से, या देवभूति कौन से वंश का राजा था, ऐसे पूछा जा सकता है। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सौ वंश का राजा नहीं है, तो उसमें आपको तीन नाम सही दे दिए जाएंगे, एक गलत दे दिया जाएगा। तो उस हिसाब से भी हमें ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की और कहाँ की। देखो, सेवक नामक व्यक्ति ने क्या की, सातवाहन वंश की स्थापना की, और कहाँ की, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी पर, यानी कि आंध्र जो प्रदेश था उस क्षेत्र में, गोदावरी और कृष्णा नदी के आसपास, घाटियों के आसपास जो क्षेत्र था, वहाँ सातवाहन वंश की स्थापना सेवक नामक व्यक्ति ने की। अगला है, मौर्य काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ। देखो, ये हमने पढ़ा था कि मौर्य काल में 18 तीर्थ थे, ठीक है, प्रशासन को बांटने के लिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज थे। पांचवा प्रश्न, समवार्ता का क्या कार्य था, समवार्ता, ये भी मौर्य काल में है। तो देखो, राजस्व इकट्ठा करना, आय व्यय का हिसाब रखना, वार्षिक बजट बनाना, ये किसका काम था, समवार्ता का। ये एक तरह से कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर था। रजोग क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये जनपद का न्यायाधीश होता है रजोग, ठीक है। मैग्नीशियस की पुस्तक का नाम इंडिका, मैग्नीशियस कौन था याद कर लेना आप, यूनानी शासक सेलिकस निकेटर का ये राजदूत था। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेलिकस निकेटर का राजदूत कौन था, ठीक है, तो ये दोनों बात इस तरह से आपको समझ ली है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। देखो, श्रीगुप्त का एक पुत्र था घटोत्कच, घटोत्कच, ठीक है, इस घटोत्कच ने भी किसकी, महाराजा की उपाधि धारण की थी, ये दोनों ने धारण की थी, तो ये आप याद रखना। समरगुप्त की उपाधि, देखो ये बहुत कई उपाधि है इसकी, पराक्रमांक, व्याध पराक्रमांक, धरणीवंद, सर्वराजोचिता, भारत का नेपोलियन, ये महत्वपूर्ण है। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहा, समुद्रगुप्त को कहा, ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम में आता है और ये आपसे ये पूछा जा सकता है। ऐसे कोई भी नाम देते हैं, बताओ ये किस, कौन सी राजा की उपाधि थी, या किस वंश के राजा की उपाधि थी, तो ये उपाधि आपको याद रखनी है। कविराज की उपाधि किसने धारण की, समुद्रगुप्त ने की, ये अच्छा कवि भी था समुद्रगुप्त। एक प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने की। नाम कुमारगुप्त था लेकिन महेंद्रादित्य इसने एक उपाधि धारण कर रखी थी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महेंद्रादित्य को किसकी उपाधि है, कुमारगुप्त की, ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखें, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख, तो इसमें देखो इस अभिलेख में ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई, है ना, समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी झील बनवाई, सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त एक गुप्त शासक था, उसने उसकी मरम्मत करवाई। और यहाँ देखो, स्कंदगुप्त के बारे में एक बात और इसमें लिखी है कि होड जो थे, मलेच्छ जिनको कहा जाता था, उनको इसी ने पराजित किया था। चीनी यात्री भयान भारत का आया, कब आया था, देखो भयान कौन था, चीनी यात्री था, भारत कब आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अब यहाँ देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य, देवराज या देवगुप्त,
ध्यान रखना, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन से काल में? 380 से 412 इसका कार्यकाल था। ठीक है, तो इसमें कई प्रश्न बनते हैं इस लाइन में, याद रखना। गुप्त काल के महान रचनाकार या गणितज्ञ या ज्योतिष विज्ञानी कौन थे? एक तो प्रश्न यह है। अब इसमें यह पूछा जा सकता है कि कालिदास कौन के किस राजा के काल में थे? ठीक है, तो ये गुप्त काल में थे। कौन से काल में थे? गुप्त काल में थे। ठीक है, शूद्रक, विशाखदत्त, अमर सिंह, ये सभी गुप्त काल के थे, ये आप याद रखना। और इन्होंने इन रचनाओं को किया था, इनकी रचनाएं यहाँ लिखी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, महाकाव्य के रचयिता कालिदास थे। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक बनाया था। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें आप याद रखें। अब यहाँ देखो, कुछ मिश्र जनजातियाँ थीं गुप्त काल में, कौन कौन सी थी? बोर्धा, वशिष्ठ, करण, अम्बिष्ट और पराशर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री के, जिनको आप नोट कर लें। लेकिन ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। और यदि आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं कि मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न लिखाऊं, तो कमेंट करके भेजें। यदि आपके कमेंट आएंगे तो ये आगे इस तरह के प्रश्न मैं आपको लिखाऊंगा, नहीं आएंगे तो नहीं लिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप इस तरह से देखें। और जो भी बच्चे आपके साथ में हैं उनको ये शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। ये तो केवल मैं बच्चों की हेल्प के लिए सामाजिक ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, बाकी अपना चैनल टोटल इंग्लिश का है, इंग्लिश स्टडी इस पर कर रह जाती है। जीके से संबंधित थोड़ी सी मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।